नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेली के नए रिलीज 6.4 में आप ईवे बिल को किस तरह से मैनेज करेंगे। नए रिलीज में ईवे बिल से संबंधित कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, जीएसटी में ईवे बिल के क्या रूल्स हैं, किस तरह से हमें अपनी इनवॉइसेस को तैयार करना है और किस तरह से हमें जेसन फॉर्मेट में ईवे बिल को एक्सपोर्ट करना है, ऐसी सभी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें ईवे बिल कब जनरेट करना होगा। सभी रजिस्टर्ड पर्सन को ईवे बिल जनरेट करना है, लेकिन कब करना है? जब मूवमेंट ऑफ गुड्स की वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा हो, तब हमें ईवे बिल जनरेट करना होगा। ये जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ये आपका सप्लाई हो सकता है। जब आप गुड्स को सेल आउट करेंगे तो उस टाइम पर आपको ईवे बिल जनरेट करना होगा, या अदर देन सप्लाई उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे सेल्स रिटर्न हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, मूवमेंट फॉर जॉब वर्क हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ईवे बिल जनरेट करना होगा। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। जब हम टेली से ईवे बिल जनरेट करने के बारे में सीखेंगे तब मैं आपको और भी इसके रीजंस बता दूंगा कि किन कारणों पर और कब कब हमें ईवे बिल जनरेट करना है। या आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के बिहाव पर रजिस्टर्ड पर्सन को ईवे बिल जनरेट करना होगा। आइए चलते हैं अब टेली में कि टेली ईवे बिल को किस तरह से मैनेज करेगा और हमें ईवे बिल क्रिएट करने में टेली किस तरह से हेल्प करेगा। दोस्तों, यदि आप ईवे बिल के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हमारा आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी बेसिक जानकारी मिल जाएगी कि ईवे बिल क्या होता है और इसे हमें कब जनरेट करना है, इसका कौन सा पोर्टल है, ऐसी सारी जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अब टेली के नए रिलीज टेली ईआरपी 9 रिलीज 6.4 में आपको ईवे बिल के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जब आप F11 प्रेस करेंगे और F11 में GST यस, GST डिटेल को यस करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि बहुत सारे नए ऑप्शंस हमको ईवे बिल के लिए मिल रहे हैं। आप इन ऑप्शंस को यस रखिएगा। 1 फरवरी 2018 से इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन के लिए हमें ईवे बिल जनरेट करना है और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रखनी है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके स्टेट में भी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में भी ईवे बिल एप्लीकेबल है तो आप इस ऑप्शन को ईवे बिल एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, इस ऑप्शन को भी आप यस रखिएगा, अदरवाइज आप नो रख सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन को नो रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब हम इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन की इनवॉइस जनरेट करेंगे तो ईवे बिल का ऑप्शन आपको वहां मिल जाएगा, लेकिन जब हम इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन की इनवॉइस जनरेट करेंगे तो ईवे बिल का ऑप्शन वहां पर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ईवे बिल के ऑप्शंस को आप सेट करते हुए बाहर आ जाइएगा। और अब हमें जो लेजर्स बनाने हैं उन लेजर्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक पार्टी का लेजर बनाया है, इंटरस्टेट रजिस्टर्ड पार्टी है हमारी और ये हमारा डेटर है, दिल्ली की एक पार्टी मैंने बनाई है। दोस्तों, अब आपको पार्टी का लेजर बनाते समय उसका एड्रेस पूरा स्पेसिफाई करना है और पिन कोड भी उसका डालना है। देन जीएसटी डिटेल को आप फिल आउट जब करेंगे तो आपको एक नया ऑप्शन और दिखाई देगा नीचे, इस अ ट्रांसपोर्टर। चूँकि ये हमारी पार्टी है, ये ट्रांसपोर्टर नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को आप नो रखिएगा और सेव कर लीजिएगा। देन इसी तरह से मैंने एक पार्टी और बनाई है, पार्टी बी, जो कि हमारा लोकल रजिस्टर्ड डीलर है और इसका भी मैंने एड्रेस वगैरह डाला है, पिन कोड डाला है और जीएसटी डिटेल इसकी भी फिल आउट कर दी है। इसी तरह से हमें अपने ट्रांसपोर्टर्स का भी लेजर बनाना है। जैसे मैंने बनाया है कमल ट्रांसपोर्ट लोकल रजिस्टर्ड डीलर और इसे मैंने क्रिएटर में रखा है, लोकल है, उसका पिन कोड है। देन जीएसटी डिटेल में आपको उसका जीएसटीएन नंबर यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर इज अ ट्रांसपोर्टर ऑप्शन जो पहले नो था, अब चूंकि हम ट्रांसपोर्टर का लेजर बना रहे हैं इसलिए इसे हमें यस करना होगा। इसी तरह से मैंने एक ट्रांसपोर्टर का लेजर और बनाया है और उसे रखा है मैंने URD अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर। ये जो अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है, जब आप इसे यस करेंगे जीएसटी डिटेल को और यहाँ पर अनरजिस्टर्ड लेंगे तो आप देखेंगे कि जीएसटीएन नंबर इसका नहीं है, इसलिए आपको इज अ ट्रांसपोर्टर को यस करने के बाद ट्रांसपोर्टर का आईडी भी डालना होगा जो कि 15 डिजिट का होगा। आईडी डालने के बाद आप इसे सेव कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करके देख लेते हैं। सेल्स वाउचर में हम अपनी रजिस्टर्ड पार्टी जो कि दिल्ली की बनाई है हमने, उसके लिए एक ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं।
हमारा स्टॉक आइटम 10 नॉर्म्स 5000 ईच। अभी आप देख रहे होंगे कि इस वाउचर में कोई ईवे बिल का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। जैसे ही आपने वैल्यू डाली तो आप देखेंगे नीचे प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल डिटेल का ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। यानी जैसे ही आपकी इनवॉइस वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली टैली आपको ईवे बिल की डिटेल के लिए यहाँ पर पूछने वाला है। यहाँ हमारा इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन है इसलिए आईजीएसटी इस पर चार्ज होगा। देन आप जब नीचे आएंगे यहाँ पर आपको ईवे बिल की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर नो करते हुए इस इनवॉइस को सेव कर सकते हैं और बाद में आगे चलकर हमें टैली ने और भी ऑप्शन दिए हैं वहाँ पर भी हम ईवे बिल से संबंधित इन्फॉर्मेशन को फिल कर पाएंगे। लेकिन अभी आप यहीं से हम फिल करना सीख लेते हैं। यस करना है आपको और आप देखेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से है वो हम यहाँ पर फिल आउट करेंगे। जैसे सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है ईवे बिल नंबर। अभी हम इनवॉइस जनरेट करने वाले हैं। इनवॉइस जनरेट करने के बाद हम अपनी पोर्टल पर जाकर उसका ईवे बिल नंबर जनरेट करेंगे। अभी वो नंबर हमारे पास नहीं है इसलिए हम उसे स्किप कर रहे हैं। देन आपको टाइप ऑफ सप्लाई को स्पेसिफाई करना है। आप अपने गुड्स का जो मूवमेंट कर रहे हैं क्या वो एग्जीबिशन और फेयर के लिए कर रहे हैं या आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आप गुड्स खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं फॉर ओन यूज़ या आप गुड्स का मूवमेंट जॉब वर्क के लिए कर रहे हैं या आप गुड्स का यूज़ लाइन सेल्स के लिए कर रहे हैं। लाइन सेल्स मीन्स ऐसी सेल्स जिसमें हमें गुड्स के मूवमेंट से पहले पता नहीं होता कि कितनी सेल्स हम करने वाले हैं। सपोज़ कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें सवेरे गुड्स को अपनी गाड़ी में लोड करना होता है और अलग अलग सिटीज़ में जाकर उन गुड्स को हम अलग अलग कस्टमर्स को दिखाते हैं, देन वो गुड्स परचेस करते हैं। तब आपको लाइन सेल्स ऑप्शन यूज़ करना होता है। इनके अलावा आप किसी और कारण से गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं तो आप अदर्स भी ले सकते हैं या रेसिपिएंट नॉट नोन भी ले सकते हैं। इसी तरह से SKD और CKD ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये सेमी नॉकडाउन और कंप्लीट नॉकडाउन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज आप कोई मशीनरी हैवी मशीनरी एक कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसे किसी दूसरी कंट्री में ले जाकर असेंबल कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑप्शन यूज़ करना होता है SKD CKD। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है। किसी मशीनरी के कम्प्लीटली नॉन असेंबल्ड पार्ट्स होते हैं उन्हें हम CKD कम्प्लीट नॉकडाउन और किसी मशीनरी के पार्शली पार्ट असेंबल्ड होते हैं तो हम उन्हें SKD सेमी नॉकडाउन भी कहते हैं। दोस्तों जब हम अपने कंट्री में ही मशीनरी असेंबल और डिसेंबल करने के लिए उसका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तब हम SKD और CKD का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सिंपल सेल्स कर रहे हैं तो ऑप्शन आपको यूज़ करना है सप्लाई जो बाय डिफ़ॉल्ट टेली ने हमें यहाँ दिया है। देन डिस्टेंस आपको बताना होगा कि ये जो गुड्स का मूवमेंट है उसका डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ मैं 1000 किलोमीटर्स ले रहा हूँ। देन ट्रांसपोर्टर नेम, यहाँ आपको ट्रांसपोर्टर का लेज़र पहले से बना कर रखना है या आप यहाँ से न्यू ऑप्शन का यूज़ करते हुए नया लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं कमल ट्रांसपोर्ट लोकल रजिस्टर्ड डीलर। व्हीकल नंबर यदि आपको पहले से पता है तो आप यहाँ फिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप करते हुए बाद में भी भर पाएंगे। इस तरह से LR नंबर भी आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। डेट, ट्रांसपोर्टर का ID जो कि हमारा रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है इसलिए उसका GSTIN नंबर ही यहाँ पर ट्रांसपोर्टर ID की जगह पर हम यूज़ कर रहे हैं। देन कंसाइनी का सारा डिटेल यहाँ पर आने वाला है, उसका एड्रेस, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, पिन कोड, स्टेट, उसका GSTIN नंबर, इस तरह से आप सारा फिल आउट कर देंगे। देन जैसे ही आप इस इन्वॉइस को सेव करने जाएंगे, सेव करते समय जो जो इन्फॉर्मेशन मिस आउट है जो हमने यहाँ पर फिल नहीं की है उसके लिए टेनी हमें एक वार्निंग बॉक्स दिखा रहा है। इन्वॉइस डिटेल कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, इंश्योर दैट यू प्रोवाइड द ईवे बिल डिटेल एंड HSN फॉर द स्टॉक आइटम। यानी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है वो बिना भरे हम ईवे बिल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और उसके लिए हमें अपने स्टॉक आइटम का HSN कोड भी यहाँ पर फिल करना है। चलिए हम एक बार इसे सेव कर लेते हैं। अब एक ट्रांजेक्शन हम और पास करेंगे जिसमें हम अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर का यूज़ करने वाले हैं सेम आइटम के साथ 10 नॉर्म्स। लोकल है हमारी पार्टी इसलिए CGST और SGST हमें चार्ज करना है और यहाँ हम डिस्टेंस ले लेते हैं 500 किलोमीटर्स। हम यहाँ ट्रांसपोर्टर यूज़ कर रहे हैं रॉयल ट्रांसपोर्ट लोकल अनरजिस्टर्ड। देन मैंने यूज़ कर लिया LR नंबर और यहाँ पर दोस्तों ट्रांसपोर्टर का ID चूँकि ये अनरजिस्टर्ड है इसलिए इसका 15 डिजिट का ID होगा वो हमें यहाँ फिल आउट करना है और सारी इन्फॉर्मेशन भरते हुए इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको जाना है अपने ईवे बिल पोर्टल पर
वहां लॉगिन करने के बाद आप अपने इनवॉइसेस का ईवे बिल नंबर जनरेट कर सकते हैं। और यदि आप टैली के माध्यम से अपनी सभी इनवॉइसेस की डिटेल को, जिनका आपको ईवे बिल जनरेट करना है, उन इनवॉइसेस की डिटेल को एक्सपोर्ट कर अपनी पोर्टल पर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले में, देन स्टेटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी और ईवे बिल। ये ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा जिसमें आपको जाना है एक्सपोर्ट फॉर ईवे बिल, फर्स्ट ऑप्शन। और यहाँ आप देखेंगे कि अभी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ईवे बिल नॉट प्रोवाइडेड, इस सेक्शन में हमें हमारी दोनों इन्वॉइसेस दिखाई दे रही हैं। दोस्तों यहाँ आपको एंटर करना है और जो भी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस हैं, जो एरर्स हैं, वो आपको इस कॉलम में दिखाई देंगे, आपको उन्हें दूर करना है। जब आप इसमें एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि कंसाइनर का जो जीएसटीएन नंबर है वो इनवैलिड है, उसे हमें ठीक करना होगा। चलिए इसे मैं ठीक कर देता हूँ, देन इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकंड नंबर इनवॉइस जिसमें टैली हमें बता रहा है कि आपने ट्रांसपोर्टर आईडी स्पेसिफाइड नहीं की है और कंसाइनर का जीएसटीएन नंबर भी आपने इनवैलिड डाला है, इन दोनों ही एरर्स को हम फिर से ठीक कर लेते हैं। देन हमारा ट्रांसपोर्टर आईडी, जो कि दोस्तों होना चाहिए 15 डिजिट में, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो टैली ने हमें बताया है कि स्टेट कोड, पैन, अल्फा न्यूमेरिक कोड आपको डालना है। चलिए उसको हम ठीक कर लेते हैं, देन इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी दो इनवॉइसेस रेडी है एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ ई। जब आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो टैली आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, और टैली के माध्यम से हम दो तरह से ईवे बिल की डिटेल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एक्सेल फॉर्मेट में और सेकंड जेसन फॉर्मेट में। अभी यहाँ हम जेसन फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं। देन एक्सपोर्ट की लोकेशन, एक्सपोर्ट फाइल नेम, और क्या आप एक्सपोर्ट करने के बाद फोल्डर ओपन करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो लोकेशन थी उसी लोकेशन में ईवे बिल की एक फाइल भी यहाँ पर आ चुकी है, एक्सपोर्टेड हो चुकी है जेसन फॉर्मेट में। और जब आप टैली में देखेंगे तो उसी स्क्रीन पर इनवॉइस एक्सपोर्टेड, टू इनवॉइसेस के बारे में टैली हमें बता रहा है कि ये दोनों इनवॉइसेस हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। जब आप पोर्टल से ईवे बिल नंबर जनरेट कर लें तो अपने टैली में आकर आपको इसी स्क्रीन पर प्रेस करना होता है कंट्रोल आई, देन आप यहाँ अपना ईवे बिल नंबर, ईवे बिल की डेट इनपुट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर डेट फिल कर देंगे और नंबर फिल कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो ईवे बिल है उसकी रिपोर्ट आपको दिखाई देगी कंट्रोल आर से, कुछ इस तरह से कि हमारी दोनों ही ईवे बिल हम यहाँ पर जनरेट कर चुके हैं, जिनकी व्हीकल डिटेल अभी तक हमने नहीं डाली है, आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं, जो भी व्हीकल नंबर हो डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर व्हीकल डिटेल डाल रहे हैं, और आप ऊपर ईवे बिल का स्टेटस भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया है जनरेटेड बाय मी, आप कोई सा भी जिस तरह का आपका स्टेटस हो, कैंसल्ड बाय मी, जनरेटेड बाय मी, जनरेटेड बाय अदर पार्टी ऑन माय जीएसटीएन, रिजेक्टेड बाय मी और रिजेक्टेड बाय अदर पार्टी, ऐसा स्टेटस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने जनरेटेड बाय मी लिया है और इसे सेव कर लिया है। इसी तरह से हमारा एक और इन्वॉइस है, जैसे ही हम इन्वॉइस को अपडेट करेंगे आप ऊपर देखेंगे मोड, रोड, व्हीकल नंबर और स्टेट राजस्थान यहाँ पर शो हो रहा है। अब ठीक इस तरह से मैं सेकंड इन्वॉइस को भी अपडेट करने वाला हूँ, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ अपडेट करनी है ई बिल के लिए। यहाँ पर फिर से स्टेटस मैंने ले लिया है जनरेटेड बाय मी, व्हीकल नंबर मैंने डाल दिया है और इसे भी सेव कर लिया है। आपको दोनों ही इन्वॉइस अलग अलग दिखाई दे रही है और उनका व्हीकल नंबर भी हमारे यहाँ पर अलग अलग है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी इन्वॉइसेस को एक्सपोर्ट करने के बाद उनकी इन्फॉर्मेशन में अपडेशन कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से आप ईवे बिल को मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप अलग से जो ऑप्शन टैली ने दिए हैं हमें अपडेट ईवे बिल इन्फॉर्मेशन, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। ईवे बिल रिपोर्ट्स, यहाँ आप सारे ईवे बिल को देख सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड ईवे बिल क्या होता है, किस तरह से हमें उन्हें क्रिएट करना है और मैनेज करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।